कितना जरूरी है हिजाब? मैडम हमारे शरीयत में है, इस्लाम धर्म में है, तो इसलिए हमें अलाउड कर रखा है। क्या शरीयत में है तो आप 24 घंटे हिजाब पहनेंगी? 24 घंटे हिजाब में कौन रहता है मैडम, कोई भी नहीं। किसी के जान से भी ज्यादा जरूरी इस्लाम है या फिर हिजाब है? जान से भी ज्यादा तो नहीं है मैडम। जहाँ पे जो ड्रेस होना चाहिए वही होना चाहिए, वहाँ हिजाब नहीं होना चाहिए। अपनी पर्सनल जिंदगी में तो जिसको जो चाहे वो पहन सकता है, उसकी मर्जी है क्या पहने क्या नहीं पहने। हिजाब तो अपने पर्सनल लाइफ के लिए है, लेकिन स्कूल के ड्रेस में हिजाब नहीं। हिजाब तो पर्सनल लाइफ का चीज़ है, घरेलू चीज़ है, बाहर हिजाब पहनना कौन जरूरी है। और हिजाब के लिए कोई फोर्स नहीं करता किसी को पहनने के लिए, लेकिन जो पहनना चाह रही है उसको पहनने तो क्या दिक्कत है। तो जब रोका जाता है लड़की को उस चीज़ को पहनने से तब होता है। अब आप सूट पहनिए आपको रोका जाएगा तब होगा। हिजाब का मतलब ही यही है कि कुछ लोग होते हैं जो चेहरा नहीं दिखाना चाहते, शो नहीं करना चाहते हर किसी को अपना। फेस छुपाने से क्या होगा? नहीं होगा तो क्यों है किसी धर्म में? हमारे धर्म में तो नहीं है। नहीं, ये तो अच्छी किसी के धर्म में नहीं है मेरे हिसाब से तो। और जो पर्दे में भी रहना चाहता है उसको भी पर्दे में रहने का हक और अधिकार है, जबरदस्ती उसके साथ नहीं किया जा सकता है। और मेरा नाम मोहम्मद आशीष है। हिजाब कोई जरूरी नहीं, आप सूट पहनिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो दिल करे लड़की का वो पहन सकती है आप। और हिजाब के लिए कोई फोर्स नहीं करता किसी को पहनने के लिए, लेकिन जो पहनना चाह रही है उसको पहनने तो क्या दिक्कत है। लेकिन बार बार पूछ के कि हिजाब जरूरी है ऐसा कुछ नहीं होता। अब नहीं, ईरान में इसी वजह से एक लड़की की जान चली गई है। तो ईरान है ना, बात इंडिया की करो आप। इंडिया में भी इसी के लिए बवाल होता है, आपने देखा होगा कर्नाटक में जिस तरह से हुआ। जब रोका जाता है लड़की को उस चीज को पहनने से तब होता है। अब आप सूट पहनिए आपको रोका जाएगा तब होगा। आप बताइए, जो स्कूल यूनिफॉर्म होता है आप वहाँ पे भगवा पहन के जाएंगे या फिर हिजाब पहन के जाएंगे, क्यों कोई अलाउड करेगा जब वहाँ का यूनिफॉर्म है? तो एक चेहरे पे खाली मास्क लगाने से उसका पूरा सूट से लेने देना, एक बॉय पर्दा ही होता मास्क की। मान लो तो फिर भगवा वाले भी कह देंगे ना कि एक भगवा लेने से क्या फायदा। अगर लड़की भगवा कलर का पहन कर आ रही तो क्या दिक्कत है, उसको अपना चेहरा ढकना चाह रही है तो। आप स्कूल किस लिए जाते हैं? पढ़ाई के लिए, डिसिप्लिन के लिए। डिसिप्लिन होता है, रूल एंड रेगुलेशन होता है? होता, लेकिन इससे चेहरे से क्या लेने देना। जो बंदा नहीं दिखाना चाह रहा अपना पब्लिक को चेहरा ओपनली, तो इसमें चेहरे वाली बात कहाँ से। हिजाब का मतलब ही यही है कि कुछ लोग होते हैं जो चेहरा नहीं दिखाना चाहते, शो नहीं करना चाहते हर किसी को अपना, इसके अलावा और कुछ दूसरा थोड़ी नहीं होता। लेकिन स्कूल में भी, स्कूल में ही या फिर क्लास में ही सिर्फ चेहरे को जो है छुपाना है ना। जो जाती है स्कूल में वो सारे उसमें लगाती हैं। अब जो सिर्फ स्कूल में जा रही हैं वो समझ लो विवाद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो रेगुलरली घर पे ही पहनती हैं, बाहर निकलती है बाजार। जिस मुस्कान ने कर्नाटका में बवाल किया था हिजाब को लेकर, वही मुस्कान, उसी मुस्कान को देखा गया था कि वो फटी हुई जींस पहन के घूम रही थी बाहर। वो सिर्फ मुस्कान ने बवाल किया था, किस और लोगों ने बवाल किया था आप इतना बताओ मुझे पहले तो। नहीं नहीं नहीं, मुस्कान ने बवाल किया था या उन लोगों ने बवाल किया था जो एक लड़की के पीछे 20 पागल लोग पड़े थे। लेकिन आप ये भी देखिए ना, मुस्कान वहाँ पे कितनी सेफ थी कि उन लड़कों ने सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाए ना। वो अच्छी बात, लगाओ, मैं भी लगा सकता हूँ, मुसलमानों में कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जय श्री राम बोल रहे हो, 100 बार बोल दूंगा जय श्री राम, क्या दिक्कत है। भाई क्यों पहने जा रहा बुरखा? अभी आप मास्क लगा हुआ, अगर आपको कोई इससे उतार के फेंकने के लिए क्यों उतारोगे आप? भाई मेरे को कोई कह देगा ना कि स्कूल में मत पहन के भगवान नहीं पहन के आऊंगा, क्योंकि स्कूल बनाया किस लिए गया बस ये बताओ। वो ठीक है, लेकिन एक लड़की अपना नहीं दिखाना चाह रही, ओपनली फैशन फेस नहीं दिखाना चाह रही तो क्या दिक्कत है। क्या लड़की पब्लिक में जाके दिखाना चाहती है? कहाँ उसको फोटो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, 24 घंटे बंदा हिजाब पहन कर है, तुम भी हो मैं भी हूँ, कोई भी ऐसा मास्क लगा के। ये बताइए मुझे कि मैं स्कूल में सूट पहनने के लिए लड़ाई कर रही हूँ, लेट मी फिनिश फर्स्ट। अगर मैं स्कूल में जा रही हूँ, एक सेकंड सर, किस धर्म में लिखा है कि फेस छुपाना, किस धर्म में लिखा है? फेस छुपाने से क्या होगा? तो क्यों है किसी धर्म में? हमारे धर्म में तो नहीं है, किसी के धर्म में नहीं है मेरे हिसाब से तो। नहीं, जहाँ भाई जो है मानना पड़ेगा, स्कूल में कोई मतलब मानता अगर है कि यहाँ की यूनिफॉर्म पहन के आओगे तो उसको मानना पड़ेगा भाई। इंडिया में इंडिया कानून होगा, नियम को मानना पड़ेगा, किसी जगह की बात हो। ईरान में एक लड़की को हिजाब की वजह से, हिजाब ना पहनने की वजह से मार दिया गया है, तो क्या लगता है हिजाब किसी की जान से भी ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल नहीं, गलत है। जिसको मारा गया वो गलत है, उसका जितना कठोर शब्दों में निंदा करना चाहिए करना पड़ेगा और करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप बार बार ईरान ईरान हिंदुस्तान और ईरान से कंपेरिजन करते हैं, आपको ये समझना चाहिए जो ईरान का कानून क्या है और हिंदुस्तान का कानून क्या है। जब देश, कुछ लोग हिंदुस्तान में भी शरिया कानून चाहते हैं सर, ये गलत है। जो हिंदुस्तान का कानून है उसको मानना पड़ेगा और हर हालत में मानना होगा। जो भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें हर धर्म हर जाति को अपने जीने का मतलब अधिकार दिया और हक दिया है, उसी लिए अपने हक के लिए हर कोई लड़ता है। लेकिन जब आप
मेरे को बताइए, इंडिया में हर वर्ग के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, तो आपको क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में अगर एक तरह से हिंदू मुस्लिम सबको देखा जाता है या फिर जैसे वो पहनते हैं जैसा यूनिफॉर्म उनका होता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम लड़कियों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए इस चीज़ की कि वो जो चाहे वो पहन सकती हैं? हाँ, मर्यादा होनी चाहिए उसमें। ऑफकोर्स मिलना चाहिए, और जो पर्दे में भी रहना चाहता है उसको भी पर्दे में रहने का हक और अधिकार है, जबरदस्ती उसके साथ नहीं किया जा सकता है, जो जिस तरह जीना चाहे वो जी सकता है। तो आपका मतलब ये है कि हिजाब के लिए किसी को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए? ऑफकोर्स नहीं किया जाना चाहिए, और जो हिंदुस्तान में कानून है, संविधान है, इसको माने, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी धर्म के लोग जाति यहाँ रहते हैं, अलग अलग भाषे की हैं, केरला की हैं, तमिलनाडु की हैं, कोलकाता की है, मुंबई की है, महाराष्ट्र की है, मैं तो हर भाषा नहीं बोल सकता हूँ ना फॉलो कर सकता हूँ, ना इस देश का जो जितना राजनेता है वो भी कर सकता है, तो भिन्न भिन्न की भाषाएँ हैं, जाति हैं, तो सबको अपने तरह से जीने का आज़ादी भीमराव अम्बेडकर ने दिया है और ये आज़ादी रहेगा। अंकल क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? गौरव है। क्या लगता है हिजाब कितना ज़रूरी है? हिजाब जिसके लिए ज़रूरी है वो सही है, वैसे तो मेंटेनेंस ठीक नहीं है, क्योंकि मोमडन धर्म में तो दे रखा है कि भैया उनको पहनना है कि नहीं पहनना, बाकी वैसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो लड़की अपनी तरफ से जीना चाहती है अपने जिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है हिजाब कितना ज़्यादा ज़रूरी है? मेरे हिसाब से तो स्कूल में या फिर जहाँ पे जो ड्रेस होना चाहिए वही होना चाहिए, वहाँ हिजाब नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी पर्सनल ज़िंदगी में तो जिसको जो चाहे वो पहन सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये तो एकदम गलत बात है, जिसको भी जो पहनना है उसको उसकी तरह से रहना है, उसको रहने दो, उसकी मर्जी है क्या पहने क्या नहीं पहने, हाँ अपनी संस्कृति के हिसाब से पहने, उसके अलग जाए नहीं, लेकिन ज़्यादा मर्यादा भी नहीं छोड़े और मर्यादा में रहे और अच्छी तरह से रहे। क्या लगता है हिजाब कितना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, हिजाब तो अपने पर्सनल लाइफ के लिए है, लेकिन स्कूल के ड्रेस में हिजाब नहीं है। हाँ, लेकिन क्या का जो यूनिफॉर्म है वही होना चाहिए, ना कि आम जो पहनते हैं। हिंदुस्तान में भी इस चीज को लेकर बवाल होता है कि जो है हिजाब हर जगह लागू होना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कहीं भी लड़कियां जाए हिजाब पहन के जाए, लेकिन ईरान में प्रोटोकॉल है। लेकिन ईरान में इसी वजह से एक लड़की को मार दिया गया है क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहनी थी और उसे जान से मार दिया गया, क्या कितना सही है? एक गलत है, मार देना उचित नहीं है, कानून के हवाले करता, कानून जो उसको करता वो होता, मार देना किसी को, कानून को हाथ में लेना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्या आप इस बात को भी मानते हैं कि हिजाब ना पहनने से रेप होते हैं? ना, ऐसी कोई बात नहीं है, हिजाब तो पर्सनल लाइफ का चीज़ है, घरेलू चीज़ है, बाहर हिजाब पहनना कौन जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। क्या नाम है आपका? मुमताज। क्या लगता है, आप तो मुस्लिम हैं तो आपसे पूछना तो बनता ही है, क्या लगता है आपको कितना ज़रूरी है हिजाब? मैडम हमारे शरीयत में है, इस्लाम धर्म में है, तो इसलिए हमें अलाउड कर रखा है। क्या शरीयत में है तो आप 24 घंटे हिजाब पहनेंगी? 24 घंटे हिजाब में कौन रहता है मैडम, कोई भी नहीं। स्कूल पहन के जा सकती है? जो मोमडन स्कूल है उसमें तो अलाउड है हम लोगों में, लेकिन जो सब बच्चे जहाँ जाते हैं, जहाँ हिंदू भी पढ़ते हैं जहाँ मुस्लिम भी पढ़ते हैं, क्या वहाँ पे भी जब ड्रेस कोड है तो आपको हिजाब पहन के जाना ज़रूरी है? मैडम वो तो स्कूल वालों से परमिशन ली जाती है तभी अलाउड हो करते हैं ना पेरेंट्स। लगता है एक तरफ लड़की लड़का एक समान सबको इंडिया में यही मिलता है, लेकिन क्या लड़कियों को हिजाब पहनना ज़्यादा ज़रूरी है? हमारे शरीयत में है मैडम तो पहनना ज़रूरी है। शरीयत में तो शराब पीना भी मना है मैम? मैडम वो तो सोसाइटी इज अ मिक्स मैन, जैसे सोसाइटी पूरा है। शरीयत में क्या शराब पीना तलाक देना शरीयत इसकी आज़ादी देता है? वो नहीं देता है मैडम, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसके कारण उसको करना पड़ता है ये चीज़। वो तो हिजाब के ऊपर आर्गुमेंट किया जा रहा है ना, उसकी कुछ और प्रॉब्लम होगी। क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम लड़कियों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए जीने की और कपड़े पहनने की? चाहिए मैडम। चाहिए ना, आपको भी चाहिए। फिर ये लागू क्यों नहीं किया जाता कि अगर हिंदुस्तान में लोग हैं तो शरिया कानून को अपनाने की बात ही ना करें? ऐसे कैसे मैडम, को जो हमारे शुरू से चलता हुआ आ रहा है और एकदम उस चीज़ को अबव कर देंगे तो वो तो नहीं हो सकता ना हमारे इस्लाम। हिंदुओं में भी ये होता है कि लड़की को दुपट्टा लेना चाहिए, हालांकि ये लिखा नहीं है, हमारी संस्कृति में नहीं है। किसी के जान से भी ज़्यादा ज़रूरी इस्लाम है या फिर हिजाब है? जान से भी ज़्यादा तो नहीं है मैडम। हर चीज़ में तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है ना मैम। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। क्या लगता है आपको?
हर चीज़ में तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है ना, बाकी ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज़ में हिजाब ना पहने, दुपट्टा ना पहने, तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। तो क्या लगता है कि हर चीज़ में कट्टरपंथी इन्वॉल्व हो जाता है? तो क्या लगता है ये सही है क्या इंडिया के अंदर? बिल्कुल नहीं सही है, चाहे वो ईरान हो चाहे वो इंडिया हो। ईरान में वहाँ भी इस्लामिक चीज़ें बहुत फॉलो की जाती हैं, लेकिन क्या किसी की जान से ज़्यादा ज़रूरी है? जान से ज़्यादा तो कुछ नहीं ज़रूरी है, प्रायोरिटी तो जान का ही है ना। लेकिन अब वहाँ की सरकार, वहाँ के जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, वो क्या करेंगे जब महिलाएं इसका विरोध, लेट मी फिनिश, जब वहाँ की महिलाएं खुद हिजाब को जला रही हैं और अपने बाल काट कर प्रदर्शन कर रही हैं वहाँ पे? तो वही तो मेन चीज़ पॉलिटिक्स है और अपना राइट्स वहाँ की डिमांड है ना। क्या आप इस बात को भी मानते हैं कि हिजाब ना पहनने से जो है लड़कियों का बलात्कार होता है? इसके बारे में कुछ नो कमेंट, क्योंकि कांग्रेस नेता कहते हैं कि हिजाब ना पहनने से जो है लड़कियों का बलात्कार होता है। कांग्रेस तो अभी हम इसमें ये आंसर मैं दोबारा आपसे लेना चाहूंगी कि क्या लगता है कि हिजाब ना पहनने से बलात्कार होता है? आजकल तो 2 महीने की बच्ची का बलात्कार कर देते हैं लोग। उसको कौन सी साड़ी पहनाना पसंद करेंगी आप? तो वो तो मैडम वो बड़े भी ऐसे पहनने, सोच की बात है ना, अपनी थिंकिंग।